नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कृतज्ञ के कुछ फायदे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है या धन्यवाद के लिए तैयारी कर लेता है, क्योंकि वह उस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहा है जो उसने दी है, क्योंकि उसे वापस उसे उसी चीज को वापस भी करना है, चाहे वह बढ़ा कर दे या कम करके दे, लेकिन हमें उसे देना ही पड़ता है। यह हमारा कृतज्ञ होता है। लेकिन ऐसी ही कुछ जुड़ी हुई बात आपको मैं लेकर आई हूँ जो इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। लेने वाला व्यक्ति इतना कृतज्ञ नहीं होता जितना देने वाला होता है। वैसे तो कहा जाता है कि देने वाले को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, लेने वाले को कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण देने वाले को कृतज्ञ माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो दान दिया है या उसके भले के लिए जो कुछ किया है उसमें वह कृतज्ञ माना जाएगा। उस चीज़ में उसका दिया हुआ भाग उसके उस सौभाग्य में शामिल हो जाता है जो उसके कारण किसी को मिलती है। आप सभी जानते हैं कि यदि आपको कोई समस्या है और आप उसके कारण किसी से कुछ उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद आपकी जितनी भी समस्या है वे दूर हो जाएं, तो दूर होने का सबसे बड़ा कारण तो वही हुआ ना जिसने आपको दिया था। तो जो भी चीज़ आपको किसी से मिलती है तो वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा कृतज्ञ माना जाता है। तो ये थे कृतज्ञ होने के फायदे। वैसे तो लेने वाला व्यक्ति कम कृतज्ञ माना जाता है देने वाले व्यक्ति से। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।